एंशिएंट वेपन जिसके पोजेशन के लिए द ग्रेट किंगडम को तबाह कर दिया गया था। एक ऐसी पावर जिसके होने पर तुम दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हो और समय आने पर उसे खत्म भी कर सकते हो। ये वेपन्स वन पीस की वो पावर है जो क्रिएशन और मास डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए बनी थी, बस डिपेंड इसको पोजेस करने वाले पे करता है वो इसे यूज कैसे करता है। एंशिएंट वेपन्स अभी तक के ग्रेटेस्ट मिस्ट्री में से एक है जो अराबास्टा आग से अब तक बनी हुई है। तो आज की वीडियो में हम एंशिएंट वेपन्स के बारे में बात करेंगे, उन्हें क्यों बनाया गया था, वो कैसे काम करते हैं, उनका पर्पस क्या था और उनमें से सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सा है। तो अगर वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इस वाली वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2K लाइक्स का। तो अगर तुम डिस्कॉर्ड को यूज करते हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर हम वन पीस के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, उसकी नई नई थ्योरीज को और डिफरेंट एनिमे पे बात भी करते हैं। दी एंशिएंट वेपन्स और एंशिएंट पावर जो सीरीज में कुल तीन है, एक प्लूटोन, पोसाइडन और यूरेनियस, ये सभी मास डिस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती हैं। ये बस मैकेनिकल वेपन्स नहीं है, इनमें लिविंग बींस भी आते हैं। इस पावर का यूज वॉइड सेंचुरी में हुआ था और इसके यूज से ग्लोबल सी लेवल काफी बढ़ गया था, जिससे आज का मॉडर्न वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया। करंट गवर्नमेंट ने इसके बारे में रिसर्च तक बैन की हुई है, उन्हें डर है कि इसके बारे में जानने से हिस्ट्री के राज खुल सकते हैं। राज खुलने पे लोगों को जॉय बॉय और उसके ड्रीम्स के बारे में पता चले। जॉय बॉय क्या था ये हमें चैप्टर 1122 में जानने को मिला था। इन वेपन्स के पोजेशन से एक न्यू वॉर का जन्म हो सकता है, बट स्टिल कई लोगों ने इसके बारे में जानने और उन्हें पाने की कोशिश करी, पर सब कुछ टोटल वेस्ट। वो अपने कारनामों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। अब जानते हैं कि ये वेपन्स एग्जैक्ट हैं क्या। प्लूटोन, जिससे अभी तक स्टोरी में दिखाया नहीं गया है, बट ये बताया गया है कि वो एक बैटल शिप है जो मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकती है। इसे वाटर 7 में बनाया गया था और बाद में इसे वानो के नीचे रख दिया गया। प्लूटोन को बाहर निकालने के लिए वानो के बॉर्डर्स को तोड़ना होगा। अब इसे किसने बनाया था ये बात अभी तक अननोन है, पर इसे बनाने वाले ने इसके ब्लूप्रिंट्स को आगे पास ऑन किया और ऐसे ही हर एक मेंटोर ने अपने डिसाइपल को ये ब्लूप्रिंट्स दिए। ऐसे करते हुए ये आइसबर्ग के पास आए। इन ब्लूप्रिंट के हेल्प से प्लूटोन को फिर से बनाया जा सकता है और इसे स्पेंडम पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसीलिए अपने फ्रेंकी ने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसीलिए उन्हें जला दिया। तो ये तो हो गई प्लूटोन की कहानी। अब आते हैं पोसाइडन पे। पोसाइडन जिसे एक वेपन का टैग तो मिला हुआ है, पर ये एक वेपन से ज्यादा इंडिविजुअल की पावर है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पावर किसी चूजन वन पे होती है जो सीकिंग से बात कर सकती है और उन्हें ऑर्डर दे सकती है। सीकिंग जो इस सी के सबसे बड़े क्रिएचर है, उन्हें इस पावर के साथ एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। करंट में ये पावर रियुगु किंगडम के प्रिंसेस सीराहोशी के पास है और वॉइड सेंचुरी में ये पावर एक मरमेड प्रिंसेस के पास थी जो उस टाइम पर जॉय बॉय की हेल्प करने वाली थी। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस के बारे में क्या ही कहना, कुछ भी बताया नहीं गया है, बट हिंट्स के हिसाब से यूरेनस एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो प्लूटोन के जैसे ही डिस्ट्रक्टिव पावर होल्ड करती है। यूरेनस के नीचे 16 जायंट कैनन लगी हुई है जो इंटेंस फ्लोइंग एनर्जी को नीचे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करती है। यूरेनस की कॉपी को अपने एनएल बाबू ने बनाने की कोशिश की थी, द आर्क मैक्सिम, बट वो इतना इफेक्टिव है कि नहीं वो पता नहीं। जितना हमें दिखाया गया था मैक्सिम बस उड़ सकती थी उस टाइम पर और उसमें पावर सोर्स की भी कमी थी। तो ये थे हमारे तीन एंशिएंट वेपन्स, पर ये वेपन्स कोई ऑर्डिनरी वेपन्स नहीं है कि किसी के भी पोजेशन में ये काम करेंगे। ये तीन एंशिएंट वेपन्स तीन पार्ट से मिलकर बने हैं, कंडक्टर, कैरेज और कैविलरी। यानी इन वेपन्स को एक पर्सन कमांड देगा, दूसरा शिप होगी और तीसरा होगा एक एलाय फोर्स। पोसाइडन के केस में लाइक सीराहोसी, नोवा और सी किंग्स, ये तीनों कंबाइन होकर एक फोर्स बनाती है। ये चीज पोसाइडन के केस में काफी सेंस बनाती है क्योंकि हमने इन तीनों ही एलिमेंट्स को देखा है उसके केस में, बट प्लूटोन और यूरेनस का क्या। तो इसे जानने के लिए हमें उतरना पड़ेगा माइथोलॉजी में। पोसाइडन जो गॉड ऑफ सी है, प्लूटोन जो गॉड ऑफ अर्थ है, यूरेनस जो गॉड ऑफ स्काई है। इससे हमें बेसिक हिंट तो मिल जाता है कि पोसाइडन सी को कमांड करेगा, प्लूटोन अर्थ को और यूरेनस स्काई को। तो पोसाइडन के तीन पार्ट के बारे में हमें पता है, बट फॉर प्लूटोन जो एक वॉरशिप है और वानों के नीचे है, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई शिप अपने आप पानी के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर आते हैं इसके दो पार्ट काम में, एक जो इसे कमांड देगा और दूसरा एलाय फोर्स। तो इस केस में मोमो जिसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स और वो जुनिशा से बात कर सकता है, इसी के साथ वो उसे कमांड भी कर सकता है। सो जस्ट लाइक पोसाइडन, प्लूटोन कमांड देगा मोमो और एलाय फोर्स होगा जुनिशा, जो जब चाहे बॉर्डर्स को तोड़ सकता है और प्लूटोन को बाहर निकाल सकता है। सीराहोशी और मोमो दोनों के बीच में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, लाइक दोनों ही वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को इनहेरिट करते हैं और एक सीकिंग को कमांड कर सकते हैं और दूसरा जुनिशा को। ये दोनों पावर से पल भर में आइलैंड्स को खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ ये दोनों लूफी को भी एडमायर करते हैं और दोनों उसी की तरह काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। प्लूटोन और पोसाइडन के बाद अब बारी आती है यूरेनस की, तो उसको कौन कमांड करेगा। इसके लिए हमारे पास थर्ड कैंडिडेट आता है स्काई पिया से, जो मोमो और सीराहोशी से काफी सारी सिमिलरिटीज रखती है
आयशा हम सभी जानते हैं कि वो सेंडोरा से है, जैसा मोमो वानो से और शीरा उसी फिशमैन से है, दोनों रॉयल फैमिली से है। आयशा जो पैदा ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ हुई थी, अपने जन्म से ही वो पूरे आर के पिलगों को सुन सकती है। अब एनएल का तो समझ आता है कि वो अपनी पावर के साथ ऐसा कर सकता है, बट आयशा ये थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज लग रहा है। आयशा भी मोमो और शीरा होशी की तरह लूफी को काफी एडमायर करती है और उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है। और क्या पता मोमो और शीरा होशी की तरह आयशा भी सेंडोरा की रॉयल फैमिली से हो और जो बात हमसे अब तक छुपाई गई हो। एंड फॉर एलाई फोर्ड, जैसा कि हमें पता है कि एल्वा नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसमें येग ड्रेसिल के बारे में तुमने सुना ही होगा, एक जाइंट ट्री जो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, एक जाइंट बर्ड जो उसके ऊपर उड़ता रहता है। तो क्या पता हमने रॉजर की शिप पे जो अंडा देखा था वो उस जाइंट बर्ड का हो, जिसको आयशा कमांड देगी। इन ग्रीक माइथोलॉजी हमने यूरेनस, आयशा और प्रीमोडियल एग तीनों के बारे में काफी कुछ सुना है। तो यूरेनस को आयशा कमांड करेगी और जाइंट बर्ड उसका एलाय होगा। बट स्टोरी में स्काइपिया कहां पर है, वो अब न्यू वर्ल्ड तक कैसे आएगी, इसका जवाब भी हम एल्वाफ का जाइंट ट्री ही देगा। हमने स्टोरी में सुना है कि स्काइपिया की दो एंट्रेंस थी, एक नॉकअप स्ट्रीक और दूसरा मेन एंट्रेंस। तो हो सकता है कि मेन एंट्रेंस एल्बाफ से हो, जहाँ पर हमें उरगे भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एल्बाफ यूरेनस और जुनिशा को भी एक चीज कनेक्ट करती है और वो है डोरी ब्रोगी की बात, जहाँ पर दोनों रेड लाइन को एक ब्लड स्नेक कहकर एड्रेस करते हैं, जस्ट लाइक जोरबुनगांड। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, पर छोड़ो। जो है वर्ल्ड सर्पेंट, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी इस वर्ल्ड सर्पेंट से एक जायंट एलिफेंट फाइट करेगा, जो वन पीस की स्टोरी में एक ही जायंट एलिफेंट है, जुनिशा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा अगर तुम्हें देखनी है तो। तो जैसा कि अब तक हमने जाना, एंशिएंट वेपन्स तीन पार्ट से मिलकर वर्क करता है, बट इन वेपन्स को बनाने का पर्पस क्या था, क्योंकि एंशिएंट किंगडम में से वॉर के लिए तो नहीं बनाया होगा। हाँ ये पावरफुल है, इनसे मास डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तो उन्होंने इसी का यूज करके अपने एनिमीज को मार दिया होता, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो जानते थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, तो शायद इन वेपन्स का कोई और पर्पस रहा होगा। जहाँ पर पोसाइडन, जिसे मरमेड प्रिंसेस पोजेस करती थी, वो अपनी पावर्स का यूज करके आर्क नोवा को सरफेस तक लाना चाहती थी, और वहीं पर प्लूटोन डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, क्रिएशन के लिए यूज किया जाता था। प्लूटोन जिसके पास वॉल्केनिक पावर्स है, वो आइलैंडर मासेस को क्रिएट कर सकता था। हाँ बट यूरेनस की पावर देखने के बाद उसका दूसरा पर्पस अभी तक नजर नहीं आता है। क्या वो लैंड के लोगों को स्काइपियर तक ले जाने के लिए बनाया गया था? तुम्हें क्या लगता है? हर एक एंशिएंट वेपन का कॉमन ही पर्पस है, आफ्टर अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन और नेचुरल कैलेमिटीज टू रीबिल्ड द वर्ल्ड। जिसका परफेक्ट एग्जांपल शीरा होशी है, जो सीकिंग्स की हेल्प से नोवा को चला सकती है और काफी सारे लोगों की जान बचा सकती है। और वानो को बचाने के लिए वहां पर प्लूटोन से बॉर्डर को क्रिएट किया गया था, जो न्यू आइलैंड को क्रिएट कर सकता है। हमने अब तक यूरेनस को नहीं देखा है, बट आर्क मैक्सिम जो उसके प्लान पे ही बनाया गया था, जिसमें एक चीज लैक करती है, वो है पावर सोर्स, क्योंकि एनएल की लाइटनिंग एक इंफीरियर सोर्स है। आर्क मैक्सिम में भी काफी सारे लोग ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो भी एक रेस्क्यू बोट की तरह यूज हो सकती है। हमने एंशिएंट वेपन्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, बट इन सभी वेपन्स में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? तो यूरेनस, जिसकी झलक हमने चैप्टर 594 में देखी थी, एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसके नीचे कैनन्स है डाउन साइड अटैक करने के लिए, और पोसाइडन जो सीकिंग से अटैक करवा सकती है, और प्लूटोन जो एयर और अर्थ दोनों जगह पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर यूरेनस जो प्लूटोन के अटैक से वल्नरेबल है, वहीं पर वो सीधे नीचे ही अटैक कर सकता है, और प्लूटोन जो एक वॉरशिप है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को शूट डाउन कर सकती है, और वहीं पर प्लूटोन जो पोसाइडन से वल्नरेबल है क्योंकि वो एक शिप है, तो उसे वाटर में ही सेल करना होगा, और वहीं पर सीकिंग्स का पानी में रहकर सामना करना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इतने बड़े वाले सीकिंग्स का, क्योंकि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं पालते। बट यूरेनस जो सीधे सीकिंग्स पे हमला कर सकती है, यानी ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं। बट इनमें से सिर्फ पोसाइडन एक ऐसा वेपन और पावर है जिसके लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। सीरा उसी कभी भी इस पावर को यूज कर सकती है, बट यूरेनस के लिए एक अल्टीमेट फ्यूल चाहिए, करंट में मदर फ्लेम है। बट पहले क्या था, जब उसे एनीज लॉबी में यूज किया होगा, या फिर ये हो सकता है जब ग्रेट वॉर हुई थी तब एनीज लॉबी उन कुछ लोकेशन में से एक थी जहाँ पर एंशिएंट वेपन से अटैक किया गया था, और तब से वो आज तक ऐसी ही है। तो यूरेनस को मदर फ्लेम चाहिए चलने के लिए, पोसाइडन को शीरा होशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो प्लूटोन को क्या चाहिए? क्या ये राज लाफ्टेल पे जाकर खुलेगा, या फिर फ्रैंकी को पहले से ही पता है कि प्लूटोन को फ्यूल कैसे करना है? स्पेकुलेशंस बहुत सारे हैं, बट ये तीन फोर्स फ्यूचर आउटकम्स को दिखाता है। स्ट्रॉयड पायरेट वर्सेज ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेज वर्ल्ड गवर्नमेंट। स्ट्रॉयड पायरेट जिसके पास प्लूटोन होगा और वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास यूरेनस अभी से ही है, और ब्लैक बियर्ड पायरेट किसी भी तरह से पोसाइडन को अपने कब्जे में ले लेंगे, और तब शुरुआत होगी फिर से एक वॉर की, जिस वॉर से हीमो और गोरो से सालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार एंशिएंट वेपन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो एनएल का कॉपीड वेपन भी वॉर के आउटकम को बदल सकता है। इन सब बातों में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एम को पूरा करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लो और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, बात करते हैं।